दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 14x60 हाउस प्लान की। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। हमारे एक पेड यूजर हैं, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया है। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग पूरा मॉडल डिजाइन किया गया है 14x60 फिट में। उनको बेसमेंट चाहिए था, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर भी चाहिए था। ये पूरा बना, इसमें बेसमेंट भी है, साइड में दोस्तों भी इनकी रोड है और फ्रंट में भी रोड है। फ्रंट में इन्होंने मेन डोर वगैरह रखा है और एक दुकान या शॉप का भी डिजाइन बोला था, तो उन्हीं के कहने पर उन्हीं का डिजाइन पूरा ये बना हुआ है। तो इसी मॉडल को हम डिस्कस करेंगे 14x60 फिट में, जिसका कि बेसमेंट वगैरह सब बना हुआ है। तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं पवन झांगड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हिल पिन हिंदी। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ही ऐसे वीडियो मिलते हैं जो आप बजट फ्रेंडली होते हैं और आप बजट में बनवा सकते हैं। तो चलो आज के प्लान को डिस्कस करते हैं। चलो जूम करके आपको इसका रियलिस्टिक व्यू दिखाना चाहूंगा। मैक्सिमम जूम करता हूँ, उसमें रेलिंग ग्रिल वगैरह आप समझ लें किस टाइप की बनी हुई, साइड व्यू कैसा बना हुआ है, कहाँ पर विंडो, कहाँ पर शटर, कहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। तो ये पूरा मॉडल है। अब हम बात करते हैं इसके बेसमेंट की। तो बेसमेंट पे दोस्तों आप जैसे आते हैं बेसमेंट, तो ये देखिए दोस्तों इसका बेसमेंट है। मैं आपको टॉप व्यू दिखाते हैं। तो ये इसका बेसमेंट है, 14x60 फिट का बेसमेंट यहाँ पर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर स्लोप भी मैंने दिया है, आप नीचे यहाँ से जा सकते हैं, आप नीचे उतर के। तो ये पूरा बेसमेंट बना हुआ है जिसमें आप स्लोप से नीचे जाएंगे और 14x60 फीट का, क्योंकि इनको दो तरफ से नीचे जाने का रास्ता चाहिए, तो एक इधर से मैंने दिया है और एक इस साइड से दिया है। ये देखिए पूरा बेसमेंट ओवरऑल बना हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान देने बात ये होगी, क्योंकि इसी साइड मैंने फर्स्ट फ्लोर पर शटर भी दिया है। मैं आप दिखाता हूँ, ये अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें, शटर है तो शटर के पहले यहाँ पर बीम देना होगा, तभी आप इस बेसमेंट में नीचे जा पाएंगे। देखिएगा इस ये वाली जगह बस्ती है, आप जिससे बेसमेंट में जाते हैं ये आपका मेन डोर बन जाता है। मेन डोर से आप एंट्री करेंगे और इसके बाद ये पूरा नीचे लेंटर पड़ा हुआ होगा छत, तो आपको ऊपर दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिएगा इस मेन डोर से इस डोर को आप एक्सेस कर पाएंगे और इधर भी शटर दिया है, दुकान बना हुआ है। इसके बाद इस गेट से आप अंदर जाते हैं तो गैलरी नुमा डिजाइन है, यहाँ से आपको मिल जाता है स्टेयर जिससे आप ऊपर चढ़कर जाएंगे। उसी के पास में लेटेंट बाथ भी बना है। इसके आगे जाती है आपको एक बेडरूम मिलता है और इसके बाद फिर आपको ये एरिया मिल जाता है किचन का, फिर से बेडरूम और पीछे आपको एक, इसे बेडरूम बोल सकते हैं या हॉल बोल सकते हैं, क्योंकि इधर भी आपका एंट्री है साइड से, क्योंकि इधर भी रोड है तो इधर भी बेसमेंट के लिए रास्ता गया। उसके जस्ट बगल से सीढ़ी है, स्टेयर्स है जिससे आप गेट से अंदर जाएंगे और यहाँ से भी पूरे घर को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरफ भी देखिए इस वाले बेडरूम में भी मैंने विंडो दिया है, इधर भी विंडो, किचन में विंडो, इस वाले बेडरूम में विंडो, यहाँ लेटेंट बाथ है तो वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर, और ये दुकान था तो शटर। तो ये तो ग्राउंड और बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर आपका बनकर रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर ये है, आप इस ब्लैक कलर की पट्टी को भी इग्नोर करिएगा क्योंकि ये ऊपर वाले फ्लोर के लिए है। आप देखिएगा दोनों तरफ ढाई, इधर मैंने 2.5 फीट का छज्जा, मतलब 2.5 से 3 फीट का ये ग्रिल बनाया हुआ है। ये ग्रिल आप देख सकते हैं नॉर्मल सा है, उधर आगे आपका ग्रिल ज्यादा हो जाता है क्योंकि मेन डोर ही आपका 4, ये जो शटर वाली वॉल है इसमें 4 फीट अंदर से बनी है, तो 4 फीट वो और 3 फीट आगे, तो ये आपका बेहतरीन सा ग्रिल वगैरह बनकर रेडी हो जाता है। ग्राउंड फ्लोर का ये डिजाइन देखिएगा, बहुत खूबसूरत आपको लगने वाला है। और सारी चीजें बस वही, सिर्फ चेंजमेंट क्या हुआ मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जब आपकी स्टेयर्स गई हैं तो यहाँ पर जो आपका लेट एंड बाथ का साइज था वो तो लगभग 6 से 7 फीट था, यहाँ पर आपका 3 फीट ही बचता है क्योंकि यहाँ पर नीचे से आपका स्टेयर्स आया है, तो इस वजह से ये आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। बाद बाकी सारी चीजें आपकी सेम है, बिल्कुल वही प्लान, कोई चेंजमेंट नहीं। वही बात करें लास्ट फ्लोर की, तो इसमें भी किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं, सिर्फ बाउंड्री वॉल, सिर्फ जो आपकी स्टेयर्स थी उसको ढकने के लिए मैंने यहाँ पर उसी बेडरूम को कन्वर्ट कर दिया रूम में, और यहाँ पर आप छत बना लीजिएगा, ये आप पूरा ऊपर आ जाता है। तो ये पूरा 14x60 फिट में बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है, बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के साथ। तो ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हुआ मॉडल है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कोई भी डाउट कमेंट